एक साथ करेंगे, एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ, एक साथ, पार्टनर के साथ, मतलब है एक साथ, रेडी हो जाइए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, स्टॉप, स्टॉप, रुक जाइए, कुछ लोग तो एक दूसरे की गाल भी मार रहे हैं। चलिए अब अपने पार्टनर से हैंडशेक करिए, झप्पी करिए और बैठ जाइए। अब इधर से आ गई है, पॉजिटिविटी एक दूसरे में ट्रांसफर हो गई है, राइट? ओके, आप लोगों को देखकर आपके चेहरे पर स्माइल देखकर मुझे एक चीज याद आ गई कि न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतने हंसी होते, न दिल तुम पर खिला होता। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इतने प्यार से आपने सुन लिया, और मैं जेन्युइनली अपने दिल से बोल रहा हूँ, सारी ये सेमिनार मेरी लाइफ में ना मेमोरी वाला सेमिनार होने वाला है, क्योंकि जो यहाँ से रिस्पांस मिला है, क्योंकि ऑडियंस ही होती है जो एक वक्ता को बनाती है, जो यहाँ से आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, जो मुझे लगता है कि अटेंशन आपने दिया है, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहने वाला है। सो मैं अभी भी चाहूँगा कि 2 मिनट हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे कुछ, क्योंकि अगर मैं बैठ जाऊँगा, वैसे मुझे माइक मिल जाता मुझे छोड़ने की इच्छा नहीं होती, मैं बैठ जाऊँगा तो फिर बताइए, घूम तो नहीं लग रही है? यस सर, अभी आपने हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो हम सबको लगता है कि हाँ ठीक है, मोटिवेट माइंड होता है सबका, लेकिन जब हमें मोटिवेट की जरूरत होती है, अप्लाई करने की जरूरत होती है, हम वहाँ नहीं कर पाते। तो कितना अच्छा क्वेश्चन, तो मुझे लगता है ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नहीं है, ये सबका है। किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने के बाद सिर्फ कुछ दिनों तक हमारी एनर्जी रहती है, इसके बाद फिर हमारी लाइट चली जाती है। अब जैसी लाइट में जी रहे थे वैसे जिएंगे। कौन संदीप सर? अच्छा हो, हाँ ठीक है। देखो, किसी भी इंसान को परमानेंट मोटिवेशन चाहिए है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा। मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। मैं कौन सा मोटिवेट कर रहा हूँ आपको? एक्सटर्नल। बाहरी, मैं बाहरी आपको ये बता रहा हूँ कि सच में आप इन चीजों पर फोकस करें, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। छोटे छोटे मोटिवेशन तो इस चीज से भी मिल जाते हैं कि मुझे एक आईफोन मिल गया है, मुझे कार मिल गई है, जॉब मिल गई, लेकिन वो कितने दिन तक चलता है? कुछ दिन, हमेशा कैसे मोटिवेट रहें? तो मैं आपको बताता हूँ, सभी लोगों को आंसर देता हूँ। किसी भी इंसान को हमेशा परमानेंट मोटिवेशन चाहिए है, तो सिर्फ बस उसे अपने घर के हालातों को देखना है। किसको देखना है? ये सोचना है कि आज मेरे मम्मी पापा किस जगह पे हैं, वो क्या करते हैं, कितनी मेहनत से मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं, कितनी मेहनत से मुझे यहाँ फीस भरते हैं, पढ़ाते हैं, और मुझे नहीं लगता इस घर या यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबके मम्मी पापा या तो शॉपकीपर होंगे, या छोटे मोटे जॉब कर रहे होंगे, प्राइवेट कर रहे होंगे, कोई सब्जी वाला सब्जी की दुकान लगाता होगा, कोई मजदूरी भी करता होगा, कुछ ही होंगे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप अपने घर के हालातों से मोटिवेट नहीं हो सकते, तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने घर के हालातों को देखना है और प्रॉमिस खुद से करना है कि आज जिन हालातों में हमारा पालन पोषण हो रहा है, जिन हालातों में हमारे घर के लोग रहते हैं, जैसा भी घर है, जैसी भी गाड़ी है, जिस तरह की हम शिक्षा ले रहे हैं, अगर इन हालातों को हम नहीं बदल सकते तो हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। आप खुद से प्रॉमिस करो कि आज हम जिस जगह पे भी हैं, आने वाले समय में इसको 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा हम बेटर करके देंगे। जब ऐसी मानसिकता हमारे दिल में आती है कि कुछ बदलना है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए,
मम्मी पापा के लिए कुछ होगा तो वो आपके लिए हो रहा है। और जब आप ऐसा सोचोगे कि मुझे मम्मी को एक कार गिफ्ट करनी है, क्या सोचोगे? कार गिफ्ट करनी है, तो कार कोई अलवा तो है नहीं, तो उठा के ले आओ। उसके लिए क्या करोगे? मेहनत करोगे। उसके लिए जब मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आप सफल तो हो ही रहेगा। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो पता भगवान क्या बोलता है? अरे यार, ये इंसान दूसरे के लिए सोच रहा है, क्यों मैं इसको दे दे? लेकिन आजकल के लड़के ज्यादा सोचते हैं गर्लफ्रेंड को आईफोन। जब ऐसी मानसिकता होती है तो मुझे नहीं लगता है कि आप हमेशा मोटिवेट रह सकते हैं। घर के हालात को जरूर देखिए, मम्मी पापा का चेहरा जरूर देखिए, मोबाइल में सबकी फोटो मिल जाएगी, फ्रेंड्स की मिल जाएगी, कभी मम्मी पापा की फोटो रखो, देखो उनको बार बार, जब मैं चार बार तो देखी हो, अरे मम्मी आपके लिए कुछ करना है, अरे पापा आपके लिए कुछ करना है। जिस दिन घर के हालातों का घर के लिए, खुद के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ करने का मन हो जाए ना, वो मोटिवेशन कभी खत्म नहीं होता। अगर मैं आपसे बोल दूं, आपके लिए जिंदगी में कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है, अगर आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, जब ये मानसिकता कुछ आ जाती है ना मन में, तो कोई आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखना है। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, ये पेट्रोल की तरह काम करता है। गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। कई बार हमारे अंदर जो पोटेंशियल होता है उसको जगाने के लिए भी दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। और आपको अच्छे से याद होगा, इस दुनिया के पहले मोटिवेशनल स्पीकर पता है कौन थे? जामवंत जी। कौन थे? जामवंत। उन्होंने किन को जगाया था? हनुमान जी को जगाया था। उनके अंदर शक्तियां तो बहुत थी, किसके पास? हनुमान जी के पास। लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, तो किसने जगाया था? तो वैसे ही काम करते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर, कि वो आपको बताते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल की मैं इसको रख देता हूँ, आवाज आएगी मेरी? यस सर। वो ये बताते हैं या मैं ये बताता हूँ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं, बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपको कई बार पता नहीं होता। तो एक सही राह दिखाने का काम करते हैं आपके गुरुजन या मोटिवेशनल स्पीकर या जो जिसको भी आप अपना आइडियल मानते हैं, वो आपको एक सही राह दिखा सकता है। लेकिन मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, सामने वाला कितना भी पुश करे आप कुछ निकलेगी। कहते हैं ना, जैसे मान के चलो किसी को गवर्नर जॉब लग गई, और अगर उसके अंदर से कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, तो क्या उस जगह पर वो सफल हो पाएगा? मैं विकास देवी सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उनसे एक सवाल पूछा गया। वो ऐसे है कि उन्होंने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया, आईएएस बने, और एक साल बाद बोले मजा नहीं आ रहा है। क्या मजा नहीं आ रहा है? और रिजाइन कर दिया। तो देखो, शुरुआत जब हुई थी तो उनका ड्रीम क्या था? आईएएस, कि मुझे ये बनना ही है। लेकिन वो जो उनका ड्रीम था, पता क्या था? फैमिली प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और कुछ ऐसे अट्रैक्शन जिनको देखकर उनको लगता था, अरे लाल बत्ती में बैठे हैं, चारों ओर लोग जा रहे हैं, सब सैल्यूट कर रहे हैं, कोई अट्रैक्शन होता है, इसको देखकर उन्हें भूल जाना। लेकिन रियल मायने में जब वो काम करने लगे तो उन्हें लगा, यार मुझे मजा नहीं आ रहा है। किसी भी इंसान की लाइफ में सिर्फ जॉब लगना ही सक्सेस नहीं है, इतना ध्यान रखना। कई बार लोग बड़ी बड़ी जॉब को त्याग देते हैं, लेकिन जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं होता, तब तक इंसान सफल हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने क्या किया? टीचिंग लाइन में आ गए। कहां गए? टीचिंग लाइन में। कई बार आपको भी अंदर से पता करना चाहिए, मेरा किस काम में इंटरेस्ट है, मैं किस काम को ज्यादा समय तक कर सकती हूँ, उस काम को ही चूज करना चाहिए। सिर्फ घर के प्रेशर से, फैमिली प्रेशर से, या फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, इस वजह से कभी भी अपने करियर को चूज नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को बैडमिंटन पसंद है? Yes, इसको पसंद है? ओके, नीचे कर लीजिए। आप में से किसी को क्रिकेट पसंद है? Yes, अच्छा ये बताओ, क्रिकेट खेलते समय नींद आती है? No, sir. क्यों नहीं आती? Yes, sir. बैडमिंटन खेलते समय नींद आती है? No, sir. क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। जिस काम को करते समय नींद ना आए, भूख ना लगे,
सर्दी गर्मी कुछ भी ना।